हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप देख रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। ठीक है, आज है 9 दिसंबर और हम पढ़ेंगे, आज है 10 दिसंबर और हम पढ़ेंगे 9 दिसंबर की डेली करंट अफेयर। ठीक है, केंद्रीय वित्तीय मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। जो केंद्रीय वित्तीय मंत्री हैं, इनको क्या किया एक फोर्स में? फोर्स ने एक सूची जारी की है। ठीक है, किसने, किसके लिए फोर्स ने एक सूची जारी की है? 100 शक्तिशाली, दुनिया की शक्तिशाली महिलाओं के लिए एक सूची जारी, किसने, फोर्स ने सूची जारी की है, जिसमें महिला निर्मला सीतारमण, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, ये किस स्थान पर? यह दुनिया की 100 महिलाओं में से कितनी? 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से। सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक है। इनका स्थान कितना है? 37वें नंबर पर। ठीक है, ये 37वें नंबर पर हैं। ठीक है, और यह लगातार तीसरे साल, कितने साल, यह लगातार उन्होंने तीसरे साल इस सूची में अपनी जगह बनाई। कितने साल? तीसरे साल इस सूची में उन्होंने अपनी जगह बनाई। ये सूची इनके द्वारा जारी की गई है। ठीक है, यह 2020 में, और सुन लो और डेटा इनके बारे में, यह 2020 में 41वें स्थान पे और 2019 में यह 34वें स्थान पर रही। कितने? 2020 में निर्मला सीतारमण, जो कि वित्तीय मंत्री हैं, केंद्रीय वित्तीय मंत्री हैं, जो कि 2020 में 41वें स्थान, 2019 में 34वें स्थान पर और 2021 में 37वें स्थान पर रहीं। ठीक है, और नंबर वन पर कौन रहा? जेसेफ बेंजोस की पूर्व पत्नी, जिनका क्या नाम है? मैंकेजी स्कॉट। स्कॉट ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाएं। ठीक है, लोबी इंस्टीट्यूट, एसीआई पावर प्लांट, किसने? रुकना, लॉबी इंस्टीट्यूट लॉबी इंस्टीट्यूट एसीआई पावर, एसीआई एशिया पावर, किसने? लॉबी इंस्टीट्यूट एसीआई पावर इंडेक्स 2021। ठीक है, एशियाई इंस्टीट्यूट एस नहीं, लॉबी इंस्टीट्यूट एशियाई पावर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया का चौथा, फोर्थवे नंबर का सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। कितने? लॉबी इंस्टीट्यूट एशियाई पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत एशिया का चौथा, मतलब चौथा सबसे पावर शक्तिशाली देश बन गया है। किसका? एशियाई का। ठीक है, इस व्यापारिक शक्ति के लिए इंडिको पैसिफिक ने इस व्यापारिक, किसी व्यापारिक शक्ति ने, इंडिको पैसिफिक में 26 देशों, 26 देशों में से भारत को चौथा स्थान दिया गया है। कितना? भारत को कौन सा स्थान दिया गया? चौथा, भारत को चौथा स्थान दिया गया है। किसमें दिया गया? इंडिको पैसिफिक में 26 देशों का एक समूह है जिसमें भारत को चौथा स्थान दिया गया है। ठीक है, इस इंडिको में अमेरिका,
इसमें नंबर वन पर, फर्स्ट पर है कौन है? अमेरिका। सेकंड चीन, और थर्ड जापान, और फोर्थ भारत। ये इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें लॉबी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स में फर्स्ट स्थान पर अमेरिका, चीन, जापान, फिर भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, और इसमें 10वें स्थान पर कौन है? 10वें स्थान पर है थाईलैंड। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया खत्म। ठीक है, इटली ने क्या किया? इटली के एंट्री ट्रस्ट ने इटली के एंट्री ट्रस्ट वॉन्च ड्रोंग ने एक काम किया। इन्होंने क्या किया? बाजार के प्रभुत्वता, मतलब बाजार के प्रभु तत्व के दुरुपयोग के लिए अमेज़न इटली के इंटरस्टेट वॉच डॉग ने बाजार के प्रतिद्वंद्विता के दुरुपयोग के लिए अमेज़न पर एक दंड लगाया। कितने उसका लगाया दंड? दुरुपयोग के लिए इसने दंड लगाया 1.13 बिलियन यूरो। कितना? 1.13 बिलियन यूरो, और ये डॉलर में कितने होंगे? 1.28 बिलियन डॉलर। बिलियन डॉलर, ठीक है, मतलब कि अमेजॉन कंपनी पे इतना जुर्माना लगा। ये आज तक के यूरोप में अमेरिका टेक दिग्गज पर लगाया गया यह सबसे बड़ा जुर्मानों में से एक है। मतलब ये अमेरिका की कंपनी है अमेजॉन, और यूरोप ने इस पर क्या लगा? यूरोप के इटली के इंडस्ट्रीड वॉचर ने लगाया। ये दुनिया के सबसे अधिक, दुनिया में अमेरिका पर लगाए गए सबसे बड़े दंडों में से एक है ये। ठीक है, एक लैसेट जर्नल में क्या हुआ? लैसेट जर्नल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ठीक है, लैसेट जर्नल में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें अगली सदी, मतलब 21वीं सदी में, अभी जो 21वीं सदी चल, 22वीं, अगली सदी मतलब 22वीं सदी में दुनिया की पहली बार आबादी घटी। क्या हुआ? आबादी, दुनिया की आबादी घटेगी। ये किसने किया? लैसेट जर्नल में 2022वीं सदी में मतलब दुनिया की आबादी घटेगी। कितनी घटेगी ये बताएगा? 2064 में दुनिया की आबादी 9.7 बिलियन। ठीक है, 2100 में यह आबादी हो जाएगी 8.79 बिलियन, मतलब आबादी बढ़ने की जगह आबादी घटेगी। इसमें बढ़ी, इसमें घटेगी। और भारत जो कि जनसंख्या के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है, कौन से दूसरे स्थान पर, इसकी आबादी हो जाएगी 1.09 बिलियन। ठीक है, भारत की आबादी 2121वीं, मतलब 2100 में इसके बाद 1.09 बिलियन हो जाएगी। मतलब ये दुनिया के सबसे ज़्यादा
उसमें आ जाएगा, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी भारत के ही पास होगी, चीन को भी पीछे पछाड़ देगा। कब? 2100 में, 22वीं सदी में। ठीक है, आठ से 14 दिसंबर को एक राष्ट्रीय ऊर्जा, कौन सा? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया गया। कौन सा? राष्ट्रीय। ऊर्जा संरक्षण, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया गया। कितनी? 8 से 14 दिसंबर के बीच मनाया जाएगा। कितना? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह। ठीक है, इस किसके तहत मनाया गया? ये आज़ादी के तहत, आज़ादी के तर्ज पर, या आज़ादी के तहत, आज़ादी के तहत आज़ादी अमृत उत्सव, इसको नाम दिया आज़ादी अमृत महोत्सव। आज़ादी के तहत आज़ादी आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में इसको मनाया गया। यह घरेलू ऊर्जा के ऑडिट करने के लिए पेशेवरों को एक पुल के निर्माण को सक्षम करेगा। मतलब ये जो ऊर्जा को जो संरक्षण करेंगे, या फिर ऊर्जा को जो बचाने की, मतलब इस चीज़ में बताया गया कि जो लोग ऊर्जा के कम से कम, मतलब इसका यूज़ करेंगे, और इसको मतलब कम यू ऊर्जा में अधिक से अधिक कार्य करेंगे, उन लोगों के लिए इस महोत्सव को लगाया गया। कितने? 8 से 14 दिसंबर को। ठीक है, इसमें लोगों को चुना जाएगा, उनके आइडिया वगैरह को चुना जाएगा। निजी कंपनी, निजी बीमा कंपनी, निजी बीमा कंपनी, निजी बीमा कंपनी अबावी, कौन सी? अवीवा लाइफ इंश्योरेंस, निजी बीमा कंपनी अबावी लाइफ इंश्योरेंस ने, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक क्या करनी, ये अबावी निवेश बीमा, एक नई कंपनी लॉन्च की, अबावी बीमा, निवेश बीमा। अबावी निवेश बीमा कंपनी लॉन्च करेंगी। ठीक है, इसकी घोषणा कर दिया। किसकी? निजी बीमा कंपनी अबावी लाइफ इंश्योरेंस ने अबावी निवेश बीमा लॉन्च करेगा। ठीक है, इसकी न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम कितनी होगी? इसकी न्यूनतम होगी 25,000, और मैक्सिमम होगी 1 करोड़ रुपए। ठीक है, इसकी घोषणा उसने कर दी है कि हम निजी बीमा कंपनी अबावी लाइफ इंश्योरेंस में एक कंपनी खोलेंगे जिसका नाम अबावी निवेश बीमा लॉन्च होगा। ये मतलब अपने शेयरों को बाजार में लाएगी। ठीक है, इसकी मिनिमम कितनी कॉस्ट होगी? 25,000 से लेके मैक्सिमम होगी 1 करोड़ तक। ठीक है, भारत ने एक गोल्ड जीता है, उसे किसने जीता है? झीलीदाल बेड़ा ने उज्बेकिस्तान में, कहाँ पे? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में क्या किया? इन्होंने क्या किया? इन्हें उज्बेकिस्तान के ताशकंद, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इन्होंने राष्ट्रीय मंडल भारोत्तर, कौन सा? राष्ट्रीय मंडल भारोत्तर चैंपियनशिप में इन्होंने महिलाओं में, किसमें? ये फीमेल हैं तो इन्होंने फीमेल में खेलेंगी ना, तो महिलाओं में
इन्होंने कितना 49 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड जीता। कितना? 49। सिल्फी दाल वेड़ा 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 ने उज्बेकिस्तान के तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के ताशकंद में महिलाओं के 49 भार उठाकर इन्होंने गोल्ड जीता। और इसमें एक महिला और हैं, ठीक है, और स्केंट में मतलब इन्हीं के स्नैच में इन्होंने 73 किलोग्राम और क्लीन में 94 kg। इन दोनों के सब 167 kg भार उठाकर, ठीक है, इन्होंने भार उठाकर 49 kg वर्ग में गोल्ड जीता, वर्ग में गोल्ड जीता मतलब इन स्नैच में 73 kg उठाएगा, क्लीन में 94 kg उठाएगा, पूरा वेट होगा 167 kg, ठीक है, भार उठाकर इन्हें 49 मतलब इनका वजन के इनके वजन 49 kg वर्ग में इन्होंने गोल्ड जीता, ठीक है। संसद में एक विधेयक पारित हुआ जिसका नाम का है सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक, ठीक है, दो हजार 21 पारित हुआ। किस में हुआ? संसद में। यह 2020 में या 2020 में निचली सदन में पारित हुआ था, अब ये उच्च सदन में पारित हुआ, ठीक है। ठीक है, 2019 ये 2020 में निम्न सदन में होंगे, 2021 में ये उच्च सदन में पारित हुए। ओलंपिक में स्वर्ण गोल्ड विजेता क्या नाम था इनका? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा द्वारा, ठीक है, इन्हें क्या हुआ? नीरज चोपड़ा ने इन्होंने डिज्नी बायजूस के अली लॉन ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, ठीक है, इनको डिज्नी बायजूस के अली लॉन ऐप के ब्रांड एम्बेसडर ये बन गए, ठीक है। अब ये इस चीज को संबोधित करेंगे। कर्नाटक सरकार ने, किसने? कर्नाटक सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएसई अकादमी के साथ एक समझौता किया, मतलब इन दोनों ने एक समझौता किया। क्या समझौता किया? इसमें वे कॉलेजों के छात्रों को मतलब वे कॉलेजों के छात्रों को सगम कल्याण के लिए वित्तीय जागरूकता प्रदान करेंगे, मतलब कर्नाटक उच्च शिक्षा परिषद और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा समझौता हुआ जिसमें ये बच्चों को मतलब कॉलेज के छात्रों को वित्तीय रूप से पोषण देंगे और उनको जागरूकता फैलाएंगे कि मतलब आप पैसे का किस प्रकार से उपयोग कीजिए, ठीक है। और इसमें एनएसई में अकादमी में 7 राज्य
सात राज्यों में से अभी तक 70 लाख छात्रों से अधिक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, ठीक है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अकादमी में अभी तक 7 राज्यों में 70 लाख से अधिक बच्चों को प्रशिक्षित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय, आज कौन सा दिवस है? 10 दिसंबर को आज है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस, ठीक है। इसका विषय वस्तु क्या है? इसका विषय वस्तु ये योर राइट, योर योर राइट योर रोल से नो टू नो टू करप्शन, योर राइट योर रूल से नो टू करप्शन, ठीक है। ये इसका विषय वस्तु है।